हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेजल अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि घर के मक्खन से ही अमूल बटर हम किस तरह बना सकते हैं। ये अमूल बटर जो हम घर पर बनाएंगे, ये हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल अमूल बटर के जैसा ही इसका टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, ये जो मक्खन बनाना घर पर मैंने बनाया हुआ है घर की मलाई से, वो कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। अगर आपको मक्खन बनाना नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ये अमूल बटर बनाने के लिए हमको चाहिए है घर पे बना हुआ मक्खन, उसके बाद में हल्दी और नमक। तो जो मक्खन मैंने बनाया है उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, एक पिंच नमक। जितनी क्वांटिटी आपकी है उस हिसाब से आपको ऐड करना है और इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स होने के बाद हमको इसमें पानी डालना है ताकि अगर हमारे मक्खन में कोई किसी तरह की कोई खटाई या खट्टापन हो तो वो इससे निकल जाएगा, और अगर कोई इसमें एक्स्ट्रा कलर अगर है तो वो भी निकल जाएगा हल्दी का, और बिल्कुल हल्का सा जो अमूल बटर वाला कलर है वो हमारे मक्खन को मिलता है। अभी अच्छे से इसको मक्खन को इसमें धो लेना है और इसका पानी निकाल लेना है। ये पानी इसका हम इसमें निकाल लेंगे। इसमें फिर से हम पानी डालेंगे, ऐसे दो तीन बार अच्छे से इस बटर को हमको धो लेना है और ताकि हमारा बटर एकदम फ्रेश और एकदम टेस्टी लगे। फ्रेंड्स, ये बटर बनाकर हम एक महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे एक महीने से ज़्यादा ना रखें क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह के कोई प्रिजर्वेटिव उसका यूज़ नहीं किया है, जैसे बाहर के बटर में प्रिजर्वेटिव होते हैं। इसलिए इसको फ्रेश ही बनाएं जितना आपको यूज़ करना है, और जब चाहिए तब हम वापस से बना सकते हैं इसको। देखो, इसको मैंने एकदम अच्छे से धो लिया है पानी डालकर। अब ये पानी एक्स्ट्रा का हमको इसमें से निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने पानी इसका निकाल लिया है, फिर भी चम्मच से ऐसे दबा दबा के इसका पानी हमको निकाल लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह का वाटर कंटेंट ना रहे। देखो, ऐसे दबा दबा के थोड़ा थोड़ा सा जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसका पानी निकल रहा है तो ये हमको अच्छे से चम्मच से दबा के निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने हमारे मक्खन जो है इसमें हमने हल्दी और नमक मिलाने के बाद इसमें दो तीन बार पानी से इसको धो लिया है और उसका पानी अच्छे से दबाकर हमने निकाल लिया है। इसमें अगर वाटर कंटेंट रहा तो ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसीलिए इसमें से हमको पानी निकाल लेना है। अब जिस भी कंटेनर में या डिश में आपको बटर सेट करना है वो डिश लेकर उसमें हमको बटर पेपर लगाना है और इसमें ये हमारा जो मक्खन हमने बनाया है वो सेट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस डिश में ये निकाल लिया है बटर पेपर के ऊपर, और किसी भी छुरी से या स्पून से आप इसको ऐसे एक जैसे सेट कर दीजिए। ये डिश में ऐसे सेट करने के बाद इसको फिर से बटर पेपर से रैप कर आपको इसको आधा घंटे तक कम से कम फ्रीज में रखना है, उसके बाद हम इसको निकाल कर देखेंगे आधे घंटे के बाद। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारा बटर जो है ये डिश में बटर पेपर लगाकर सेट कर दिया था और इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, तो अब ये सेट हो चुका है। हम देखेंगे अभी इसको निकाल कर। देखिए, ये कितना अच्छा, कितना सारा बटर हमारा बनकर रेडी हुआ है बिल्कुल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जैसे चाहिए वैसे शेप में कट, कितना सॉफ्ट बटर हमारा बना है बिल्कुल अमूल की तरह। देखिए कितना टेक्सचर इसका बढ़िया आया है
और इसका टेस्ट भी बहुत ही सुंदर है, बहुत टेस्टी है ये, एकदम च्यूई सॉफ्ट बटर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको अगर हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली फैमिली में हमारा चैनल, हमारे वीडियोस, ताकि सभी लोग हमारे वीडियोस को देखकर उसका आनंद ले सके। थैंक यू।